तो मैं इसके काली का अर्थ क्या होता है, काल को बदलने वाला। मैं कभी आपको महाकाली के बारे में बताता हूँ, सब लोगों काली के बारे में बहुत धारणा गलत है लोगों की, और उस धारणा को मैंने प्रभु सद्गुरुदेव से भी प्रार्थना की, प्रभु महाकाली का ये क्या है, क्योंकि शंकराचार्य भी कहते हैं अपने स्तवन में, विरंचादि देवाश्रय गुणात्म समारभ्य काली प्रधान अनादिम सुरादि भवादि मखादि विनती देवा। ब्रह्मा विष्णु आदि ये सब लोग भी इस बात से ये है कि माँ काली तेरा तुझे किस प्रकार ध्यान करे, माँ कहकर ध्यान करने के लिए हमारे में शक्ति मित्र के स्मशान में हम तुझे कैसे काम करें, तुझे भयंकर रूप देखकर हम तुझे माँ कहने का भी अर्थ नहीं होता, तुझे बहन भी नहीं कह सकते तेरे रूप को देखकर, न तुझे प्रेमिका कह सकते हैं या पत्नी कह सकते हैं तुझे देखकर, तू तो ऐसे करे इस रूप का हम किस तरह आराधना करें, कि स्वयं शंकराचार्य करें स्वरूप हम तरीय विनती देवा, इस स्वरूप को देखकर क्या करना, तुझे आराधना करनी चाहिए। जब यही बात मैंने परम पूज्य सद्गुरुदेव जी से पूछी और कहा कि प्रभु सचमुच काली की आराधना की सत्र में अगर हम काली को जाकर जैसे साड़ी लेते हैं तो वो साड़ी पहनती ही नहीं, उसको घर बांध देते घर में रहती ही नहीं, स्मशान में रहती, तो उसकी पूजा किस तरह करनी चाहिए, काली की सत्र आराधना करने से होता है। तो एक शास्त्र कहता है कि मृगन नाम के ऋषि थे और उस ऋषि के दो पुत्र इतने घिनौने थे कि वो माँ को मारने के देते हैं, बहन को बहनने के देते, सारे स्त्रियों का अनुभव करना, उनको काट के मनुष्यों को काट के खाना और देवताओं की मूर्तियों को तोड़ना, ये सारी चीजें रूपन महामुनि के उन्होंने जो पुत्र किया था। उसको देखकर महामुनि ने कहा कि ये मेरे को इस तरह के पुत्र कैसे प्राप्त हुए। उन्होंने हर एक देवता के पास गए, ब्रह्मा के पास गए, विष्णु के पास गए, महेश्वर के पास गए, देवियों के पास गए और पूछा कि प्रभु मेरे इन पुत्रों को बदलो, मैं ऋषि हूँ और मुझे मेरे एक इस तरह के पुत्र उत्पन्न है जो इतने कर्कश है, इतने मूर्ख, इतने दानव है, दानव भी इनके सामने पहुंच जाएंगे, इतने खराब है, इतने स्त्रियों को तो स्त्रियों के रूप में नहीं, माँ को माँ के रूप में नहीं देखते, इनका इनको तो कुछ बदलो। तो सभी देवताओं ने कहा जिसका जन्म ही ऐसे समय में हुआ है कि तो हम इसको बदल नहीं सकते, ये तो ऐसे ही नहीं, महर्षि थक माता के पास गए, सभी के पास गए और आखिर में दुर्गा माता अधिपरा शक्ति के पास गए और कहा कि माँ अगर तुम लोग नहीं बदल सकते इनको तो हमारे मुझे संसार में तो कोई बदलने वाला नहीं, इसका क्या होगा। तब उन्होंने दुर्गा माता के लिए कहा कि माँ मैंने ऐसे पुत्रों को जन्म दिया है, इसलिए चाहता हूँ कि मैं ही मेरा त्याग कर दूंगा, कल सुबह तुझे मेरी बलि दे दूंगा। माँ माँ होती है, माँ ने कहा प्रखंड ऐसा काम तो मत कर, तो कल मेरी आराधना में बैठ जा, मैं देखती हूँ क्या करना है। जब साधना में बैठ गए प्रखंड महावनी और अपने आंखों से अभी धारा बह रही थी और वो बैठ कर रो रहे थे कि माँ तूने कहा है मैं बैठा, मुझे कब बदलोगी, मुझे किस प्रकार बदलोगी, क्यों इतना तुच्छ हूँ, इतना नर हूँ, मुझे एक साधना सिद्ध नहीं होती, कुछ नहीं होती और मैंने ऐसे पुत्रों को जन्म दिया, अब तू रक्षा नहीं करती मेरी रक्षा कौन करे, और तू मेरे दुर्भाग्य को सौभाग्य में नहीं बदलती तो कौन करे, माँ तो कुछ कर। ऐसे करती जब सुबह का सूर्य उगा था तो देखा कि एकदम कड़कड़ाहट के साथ बहुत बड़ी बिजली चलती, सारा संसार घबरा गया, एक काला मेघ जैसा काला मेघ चलते हुए दक्षिण की तरफ से आ रहा है। मुकुट महाराज जी भी थक सामने हुए, हाँ शिव जी अपने आसन से उठ के खड़े हुए, विष्णु अपने आसन से अपने नीचे उठ गए, ब्रह्मा भी उठ गए, देखे कि ये क्या कड़कड़ाहट की आवाज़ है, क्या दिखता है, तो एक भयंकर मूर्ति अपने शरीर पर मुंदमाला डाले हुए, जीव को बाहर निकाले हुए, रक्त का स्थान हाथ में लिए हुए, जिसके शरीर से जुहा अग्नि निकल रही है, ऐसा एक रूप दक्षिण से आ रहा है। ये देखकर सब लोग घबरा गए, देवता भी घबरा गए। तब उसको देखा तो कहा कि हे तू कौन पिशाच है, भूत है, क्या है, तू ऐसा क्यों आ रही है। तो उसने अट्टहास करते हुए कहा, इसलिए हम ध्यान में कहते हैं शवारूढ़ महाभ्रमा अट्टहास निर्दाम, जो अट्टहास करते हुए आती है ऐसी माया की। कहा हे मृकंड मैं काली हूं। मैंने कहा माँ तू ये रूप तू कौन है आदि, मैं कौन हूँ तुझे बाद में बताता हूँ, तू तेरे पुत्रों को देख कहाँ है। मृकंड देख रही थी, देखते क्या है कि दोनों पुत्र अपने पिता के चरणों में, वो कभी उनको देखा ही नहीं था कि वैसा करते, दोनों पुत्र भी उनके चरणों में लेटे हुए हैं और नमस्कार करते हुए आंखों से अविरल धारा बह रही है और पुत्र कहते प्रभु हमें क्षमा करो, कभी समझा ही नहीं था कि मेरे पुत्र ऐसे होंगे। मृकंड महर्षि ने तो उन्हें देखा कि ये क्या हुआ, माँ तू कौन है, ये क्या है, पुत्र ऐसे मेरे कभी हो ही नहीं सकते, ये तो इतने घिनौने थे, माँ को माँ नहीं कहते थे, बहन को बहन नहीं कहते थे, ऐसे लोगों को तूने इतना शांत बना दिया, ऐसा कहा। शिव जी भी आए, शिव जी माँ तू कौन है, तू ऐसा है, तू ऐसा कर
कहा कि मैं नाम काली, मेरा नाम काली है, और वो किसी के भी जन्म को, किसी के भी दुर्गुणों को, किसी से भी बुराइयों को मैं अपने ऊपर ले लेती हूँ और उसकी सुंदर ले लेती हूँ। इसलिए काली की आराधना करनी चाहिए कि अपने दुर्गुणों का नाश करवा दें। इसलिए उसको स्मशान में मंडमाला करने हुए, अपने हाथों का वस्त्र पहने हुए स्मशान में उन सारे दुर्गुणों को अपने को लेकर जो काली की आराधना करता है, उसके सारे पाप पार नष्ट हो जाते हैं, उसके सारे दुर्गुण नष्ट हो जाते हैं जो काली की आराधना करता है। इसलिए उसे काल गए, काल यही कहा गया। तब महाकाल कहा, महाकाल का मैं तो महाकाल हूँ। तो महाकाली ने कहा, तू क्या महाकाल, तू कुंडली बदल सकता है? मैं कुंडली बदल सकती हूँ। तो काल का निर्णय, काल के ऊपर एक प्रकार का अपना भार और काल को अपने कंट्रोल में रख सकता है, लेकिन मैं काल को कंट्रोल से बाहर करते हुए काल को बदल सकती हूँ। ये महाकाल में बदल सकती हूँ। ये महाकाल में ऐसा कैसा हो सकता है? महाकाल को खींचा माता ने और अपने को ढाल उसके पाँव रखा। जो आप देखते हैं कि महाकाल इंद्र नीचे हैं और महाकाल कहते हैं कि मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं किसी के भी जन्म कुंडली को बदल सकती हूँ, उसका दुर्भाग्य बदल सकती हूँ।